कांग्रेस ने अपनी नई वर्किंग कमेटी का गठन करके आने वाले विधानसभा से लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव की पूरी सियासत को मजबूती से साध लिया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा सचिन पायलट की ईसीडब्ल्यूसी में वापसी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर सियासी जानकार तक ये मानते रहे हैं कि ऐसा करके पार्टी ने न सिर्फ राजस्थान में अपनी सरकार की वापसी की मजबूत दावेदारी ठोकी है, बल्कि विपक्ष को एक बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया है। हालांकि इस वर्किंग कमेटी के गठन में इस बार कुछ नेता नाराज भी दिख रहे हैं। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस के एक नेता ने अपना नाम इस कमेटी में ना शामिल किए जाने पर अपनी तपस्या में कमी बताई है, थोड़ी नाराजगी बताई है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी वर्किंग कमेटी का गठन किया, उसमें देश के सभी राज्यों में सियासी नजरिए से बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इस दौरान पार्टी ने हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत जितने भी चुनावी राज्य और लोकसभा के नजरिए से देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को कमेटी में जगह दी है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस लिस्ट में सचिन पायलट की वापसी जो है वो बड़े सियासी संकेत दे रही है। सचिन पायलट की वापसी तब हुई है जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में वापसी की पूरी दमदारी के साथ तैयारी का दावा कर रही है। दरअसल सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पैदा हुए विवाद के दौरान वर्किंग कमेटी से पायलट बाहर हो गए थे। जब दोनों नेताओं के बीच में समझौता हुआ और अब सचिन पायलट की सीडब्ल्यूसी में वापसी से न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बल्कि राजस्थान में सचिन पायलट के प्रशंसकों में भी सेलिब्रेट का माहौल बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के नजरिए से अपनी पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया है। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता का कहना है कि जो भी चयन प्रक्रिया होती है, निश्चित तौर पर उसमें सियासी आकलन करके ही सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ साथ भविष्य के नेताओं को भी आगे किया जाता है। रविवार को जारी हुई इस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की सूची भी इस लिहाज से जारी की गई है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े और वर्किंग कमेटी में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस कमेटी में इस बार उनकी पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को इसमें जगह नहीं दी गई है। दरअसल इसके पीछे पार्टी की एक सोच रही है कि अन्य दूसरे नेताओं को भी मौका देकर इस महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा समिति के सदस्यों को अलग अलग राज्यों की अहम जिम्मेदारी देकर सियासत के लिहाज से उनको और भी आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी में इस बार कई ऐसे भी नेता हैं जो कि सीडब्ल्यूसी में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको इसमें जगह नहीं मिली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र विभाकर शास्त्री ने सीडब्ल्यूसी में शामिल न किए जाने पर हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब की बार शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। ट्वीट के बाद लोगों ने तमाम तरह के रिएक्शंस भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। शास्त्री के अलावा भी कांग्रेस पार्टी कुछ और भी नेता हैं कांग्रेस के जिनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उनको भी इसमें जगह नहीं मिली है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि फिलहाल तो ऐसी कोई भी नाम आलाकमान के संज्ञान में नहीं है, फिर भी जो भी अनुभवी और वरिष्ठ लोग हैं उनको पार्टी आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारियाँ दे सकती है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों में वीरप्पा मोइली, हरीश रावत, पवन कुमार बंसल, मोहन प्रकाश, रमेश चेन्नीथला, बी के हरिप्रसाद, प्रतिभा सिंह, मनीष तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा, के राजू, मीनाक्षी नटराजन, सुदीप रॉय बर्मन समेत कई अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले तक संचालित कमेटी के साथ काम कर रहे थे, जिसका गठन सोनिया गांधी ने किया था। अब जो कांग्रेस कार्य समिति का ऐलान किया है, उसमें भी पूर्व की समिति के मुकाबले में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पल्लम राजू, पवन खेड़ा, गणेश गोदियाल, यशुमती ठाकुर, सुप्रिया श्रीनेत, परिणति शिंदे, अलका लांबा आदि सदस्यों का भी नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में शामिल करने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। शशि थरूर का कहना था कि जो असंख्य भारतीय देश को समावेशी बनाना चाहते हैं, वो हमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। शशि थरूर ने कहा कि इतिहास में कांग्रेस की कार्य समिति ने बीते 138 सालों से पार्टी का नेतृत्व किया है और मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इसका हिस्सा बनाया गया है। मैं पूरे समर्पण से पार्टी की सेवा करने का अवसर पाकर खुश हूं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।